रही थी, अभी भौंक रही थी इसलिए सुनाई नहीं दिया होगा। एमी इतना ज्यादा भौंकती है कि वीडियो नहीं बना पाती मैं। तो मेरी मील प्लानिंग वाली वीडियो आपको कैसी लगी? फिर मैं आपको एक मसाला बनाना बताऊंगी, जिससे क्या है कि हम सभी सब्जियों में उस मसाले को डाल सकते हैं। सुबह सुबह सभी महिलाओं को दिक्कत होती है खाना बनाने में और 10 डब्बे खोलने पड़ते हैं, इसलिए हमें क्या करना है कि ऐसा एक मसाला बना के रख देना है जिससे कि सिर्फ 2-3 लोगों के लिए बनाए तो उसमें 1 चम्मच डाल दें, 5-6 लोगों के लिए बनाए तो 2 चम्मच डाल दें। ऐसे करके वो मसाला मैं बना के आपको दिखाऊंगी, जिससे आप सभी तरह की सब्जियां बना सकते हैं, सभी सब्जियों में डाल सकती हैं, या आलू का पराठा बनाती हैं तो कोई भी पराठे बनाती हैं तो किसी में भी आप उसको डाल सकते हैं। अपनी जो जितनी भी चीज आपको बनानी है उसके हिसाब से आप डाल सकती हैं। तो आज की वीडियो में मैं वो मसाला आपको बताऊंगी। सब्जी बन गई है मेरी, अथक को खाना देती हूँ। ले खाना खा ले। तो पहले मेरे सिर में दर्द हो रहा है, एक बार मैं चाय पीऊंगी और फिर फ्रेश होके फिर आपसे मिलूंगी। पहले चाय बना रही हूँ। सुबह दूध खत्म हो गया था तो दोबारा वाली चाय नहीं पी, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आप भी पीजिए अदरक वाली चाय। अच्छा कौन लेनी है सब्जी रोटी? तो मील प्लानिंग हम थोड़े दिन की भी कर सकते हैं, 2-3 दिन की भी कर सकते हैं, 1 दिन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज आपको उबाल के रखनी है, जैसे आलू है, मान लो सुबह चाहिए आपको आलू का परोठा बनाना है, या आपको आलू की सब्जी बनानी है उबले हुए आलू की, या अरबी की सब्जी बनानी हुई है उबली हुई सब्जी, मतलब अरबी की, तो ऐसी चीजें उबाल के रख दें फ्रिज में। और भी कोई चटनी वगैरह बना के रखनी है तो चटनी बना के रख दें आराम से, 8-10 दिन कोई चटनी खराब नहीं होती, उसे आप जो आइस ट्रे होती है उसमें जमा के रखते हैं और आपको जब काम लेनी हो ले लें। इसी तरह से आप चाय का मसाला बना सकते हैं, अदरक को भी कस के या पीस के मिक्सी में, और काली मिर्च वगैरह पीस के उसको रख सकती हूँ, लौंग वगैरह डाल के रख सकते हैं आप। तो अब मैं फ्रेश होके आ गई हूँ किचन में। सुबह काम करती हूँ, उसके सारे कपड़े गीले वगैरह हो जाते हैं, और उस चाय पीने के बाद फुर्ती आ गई। और अब मैं बताऊंगी आपको जो एक मसाला बनाना है वो सभी सब्जियों में आपके चल जाएगा, किसी भी तरह की सब्जी आप बनाएं तो इसमें आपके काम आएगा। Thank you.
तो जैसे कि साबुत धनिया होता है, मैं पीस चुकी हूँ, कल बहू ने भी पीस दिया था सारा। तो साबुत धनिया जो होता है उसको पहले थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लें कढ़ाई में, और काली मिर्च को भी ड्राई रोस्ट कर लें। तो वो चीजें मेरे पास पीसी हुई पड़ी हैं, तो उसको मैं, ये जो धनिया है वो पीस चुके हैं हम, कुछ उस डब्बे में रखा है, कुछ हमने पीस लिया है, तो जो साबुत धनिया था वो खत्म हो गया। तो मैं आपको बता रही हूँ कि फिर भी हमें क्या करना है कि साबुत धनिया की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा रखनी है हमें। जैसे एक कटोरी लेना है, मान लीजिए हमने एक कटोरी साबुत धनिया लिया, मैं थोड़ा ही मसाला आपको बना के बता रही हूँ, आप ज्यादा भी बना के रख सकती हैं। जैसे मैंने एक कटोरी लिया, तो आप दो कटोरी धनिया ले सकती हैं, और फिर उसमें हम सारे ही मसालों को डाल देंगे। जैसे मिर्ची है तो मिर्ची को थोड़ी कम डालेंगे, धनिया से कम डालेंगे हम। आप तीखा खाते हैं तो फिर तीखा डाल लें, जैसे मिर्ची को। इसमें आप साबुत मिर्ची भी डाल सकते हैं। जीरा है तो जीरे को भून के डालें, जैसे हम इसको तवे में भून लेते हैं थोड़ा सा। कुछ जीरा हम भुना हुआ डाल दें, कुछ जीरा हम बिना भुना हुआ डाल देते हैं। तो दो दो चम्मच के करीब आप जीरा ले लें, दो चम्मच आप बिना भुना हुआ जीरा ले लें, दो चम्मच आप भुना हुआ जीरा ले। मिर्ची डाली हमने, जीरा डाल लिया, धनिया डाल लिया, हल्दी डाल लेंगे हम, जो भी सारे मसाले डालते हैं हमारी सब्जियों में। तो दो चम्मच डाल लेंगे हम हल्दी, धनिया हम डाल ही चुके हैं। अब खटाई के लिए हम इसमें अमचूर डाल लेंगे। अगर चाट मसाला है आपके पास तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं, वो खटाई के लिए हम अमचूर डालेंगे। यदि आप हर सब्जी में खटाई डालती हैं तो, और नहीं डालती है तो फिर आप अमचूर नहीं डालें उसको। जिस भी सब्जी में आपको डालना है अमचूर, उसमें अलग से डाल लें। नमक हम जब बनाएंगे सब्जी तो उसी टाइम डालेंगे नमक, इसमें मैं नमक नहीं डाल रही हूँ। आपके पास यदि कोई चाट मसाला है, गरम मसाला है, या पाव भाजी मसाला है, कोई भी है वो डाल दें आप इसमें। मैंने पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ, आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं इसमें, और जीरे को आप भून के डाल सकते हैं। जीरा हमारा भून गया है, अब इसमें हम हींग भी डाल लेंगे। तो सारे हमारे जो मसाले सब्जियों में डलते हैं वो सब डल जाएंगे। जब हम एक साथ इनको डाल लेंगे तो हमें फिर अलग से ना तो मसाले डालने की जरूरत पड़ेगी। चाहे अब जीरा राइस तो खैर डालेंगे, लेकिन हाँ हींग वगैरह डाल के इसमें रखते हैं। तो ये आपका मसाला पूरा सब्जियों के लिए तैयार हो जाएगा, और आपको डब्बे नहीं खोलने पड़ेंगे सारे। जो डब्बे हमें खोलने पड़ते, कई बार ऐसा होता है कि मसालेदानी खाली रहती है, हम भरते नहीं आलस में, तो मसालेदानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मसाले में आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे ही मसाले इसमें हैं। तो इन डब्बों को हम रख देंगे और इन मसालों को थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। दाना मेथी तेज पत्ता वगैरह तो हम छौंक में डालते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं जिस सब्जी में डालें। बाकी ये जो मसाले हैं वो हमें केवल तीन लोगों के लिए अगर बनाते हैं तो एक चम्मच डालना है, अगर छह लोगों के लिए बनाते हैं तो दो चम्मच। उसी तरह से आप क्वांटिटी बढ़ा देंगे जिस तरह से हमारे सदस्यों की संख्या होगी। इसी
इसी तरह से मैंने अचार का मसाला अपने चैनल पे दे रखा है, ये रखा है मेरे, अभी मैंने इसे डब्बे में नहीं भरा है, तो अचार का मसाला भी आप बना के रख सकती हैं। तो अचार के मसाले से भी ये रहता है कि हम जब भी चाहे मसाला डाल के अचार डाल सकते हैं। अब इस मसाले को मैं पीस लूंगी सारा, क्योंकि इसमें वैसे तो साबुत कुछ भी नहीं है जीरे के अलावा, फिर भी इसको पीस के रख दे। आप साबुत मिर्च भी इसमें पीस के डाल सकती हैं, जो मोटी थोड़ी सी होती है। ये देखिए हमारा मसाला तैयार है, और इस मसाले को आप एक डब्बे में भर के रख लें, और सुबह जब भी आपको जल्दी हो फटाफट सब्जी छौंके और ये मसाला डाला, कोई भी और मसाला डालने की आपको जरूरत नहीं है। इस मसाले में सब कुछ है, केवल नमक आपको डालना है सब्जी में, बाकी ये सारे मसाले इसमें हींग है, साबुत धनिया था जो हमारा धनिया है, लाल मिर्ची है, अमचूर है, हल्दी है, हींग है, जीरा है, सभी मसाले इसमें है। तो ये मसाला आपके बहुत काम आएगा, और सुबह जल्दी नहीं रहेगी आपको, हर महिला को जल्दी रहती है सुबह टिफिन बनाने की, तो उसमें आप किसी भी चीज में इस मसाले को डाल सकते हैं। डब्बे में भर दी है, मतलब ये मसाला भर दिया है डब्बे में, और आप ज्यादा बना सकती हैं, और आपके महीने भर का भी बन सकता है। इस तरह से इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें और महीने भर के लिए रख सकती हैं। तो मेरा तो थोड़े से दिन का हुआ है, आपको बना के दिखाया है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए लोग हैं तो बेल आइकन दबाइए, और बेल आइकन दबाने से मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। मेरी चैनल में हर तरह की वीडियोस आपको मिलेंगी, सिलाई की भी मिलेंगी, तो आर्ट एंड क्राफ्ट की भी मिलेंगी, तो कुकिंग की भी मिलेंगी, और इस तरह से मील प्लानिंग वगैरह की वीडियोस आपको जरूर मिलेंगी, हाउस क्लीनिंग की वीडियो मिलेंगी, सब तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। आज की वीडियो में इतना ही।